पुलिस चौकी योल के अंतर्गत बलेहेड में सुबह एक कार अनियंत्रित होकर पैदल जा रहे युवक से टकरा गई, पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कार चालक को भी मामूली चोटें आई हैं। यातायात पुलिस चामुंडा के प्रभारी वीरेंद्र कटोच ने बताया कि धाक का समीर, जो कि सुबह नरवाना में अपने ससुराल जा रहा था, बलेहेड़ के समीप अचानक कार नियंत्रण होने से स्थानीय संजय उर्फ कालू, जो कि रोजाना हैडपंप को खोलने जाता है, पैदल घर की ओर जा रहा था। कार उसे रौंदते हुए ले गई। गनीमत यह रही कि कार पलटकर खेतों में जा गिरी। यदि घायल के ऊपर गिरती तो बचना मुश्किल था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार इतनी तेज गति से आ रही थी कि सड़क से 30 फुट दूर जा गिरी है। पुलिस के आने से पहले ही गांव के लोग घायलों को मेडिकल कॉलेज टांडा ले गए। उनके सिर तथा टांगों पर चोटें आई हैं। वहीं यातायात पुलिस के प्रभारी वीरेंद्र कटोच ने बताया कि कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उज्जवल हिमाचल के लिए योल से नरेश धीमान की रिपोर्ट।